ड्रैगन बॉल सुपर के फर्स्ट आर्क यानी बैटल ऑफ गॉड्स में बीरूस को इंट्रोड्यूस किया गया था और बीरूस उस टाइम पावर के कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पर था। उसने उस टाइम गोकू एंड वेजिटा को यहाँ पर पावर के मामले में टोटली आउटमैच्ड कर दिया था। बीरूस ने गोकू के साथ अभी तक केवल दो बार बैटल किया है। सबसे पहले तो बीरूस ने गोकू के साथ किंकाई के प्लांट पर बैटल किया था, जहाँ गोकू ने अपने सुपर चेन के लेवल 3 के साथ बीरूस के अगेंस्ट अपना पूरा जोर लगाया था, बट फिर भी लॉर्ड बीरूस ने केवल सिंगल हिट के जरिए यहाँ सुपर चेन 3 गोकू को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद तो सुपर चेन गॉड गोकू ने बीरूस का सामना किया था, जहाँ गोकू ने लॉर्ड बीरूस को ठीक ठाक टक्कर दी थी, बट आखिरी में लॉर्ड बीरूस ने बिना अपने फुल पावर को यूज किए यहाँ गॉड गोकू को टोटली डिफीट कर दिया था। तो बीरूस ने अब तक गोकू के साथ दो बार बैटल किया है और जब कभी गोकू एंड बीरूस का थर्ड बैटल होगा वो बिना किसी डाउट के पूरी की पूरी यूनिवर्स को हिला कर रख देगा। साथ ही अपने अपन को इस बैटल के अंदर लॉर्ड बीरूस की फुल पावर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब गोकू ने ट्रू अल्ट्रा स्टेट को अचीव कर लिया है। तो लॉर्ड बीरूस गोकू को लास्ट टाइम की तरह बिना अपनी फुल पावर को यूज किए डिफीट नहीं कर पाएगा। अगर अपन बीरूस एंड वेजिटा के बैटल्स के बारे में डिस्कस करें तो ड्रैगन बॉल सुपर के फर्स्ट आर्क यानी बैटल ऑफ गॉड्स में लॉर्ड बीरूस ने बड़ी आसानी से यहाँ सुपर सेन के लेवल 2 वेजिटा को बड़ी आसानी से डिफीट कर दिया था। देन इसके बाद आपके हिसाब से बीरूस एंड वेजिटा का कभी बैटल नहीं हुआ होगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे वाले पोर्शन के अंदर एक्चुअली में वेजिटा एंड बीरूस का एक ही बैटल दिखाया गया है, बट रियलिटी कुछ और ही है। ड्रैगन बॉल सुपर की ऑफिशियल मंगा को अगर अपन फॉलो करें तो बीरूस एंड वेजिटा के अभी तक 3 बैटल हो चुके हैं, जहाँ वेजिटा ने हर बार एक्चुअली में अपने फुल पावर को यूज करके लॉर्ड बीरूस को डिफीट करने की कोशिश की है। बीरूस एंड वेजिटा का फर्स्ट बैटल अपन को बैटल ऑफ गॉड्स आर्क के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि इस बैटल के बारे में आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता है तो आज अपन इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। बीरूस एंड वेजिटा का सेकेंड बैटल अपन को गोकू ब्लैक आर्क के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि ये बैटल केवल ड्रैगन बॉल सुपर के ऑफिशियल मंगा के अंदर हुआ था। तो मे बी आप में से ज़्यादातर लोगों को एक्चुअली में बीरूस एंड वेजिटा के इस बैटल के बारे में पता नहीं होगा। गोकू ब्लैक को डिफीट करने के बाद यहाँ वेजिटा को अपनी पावर पर बहुत ही ज़्यादा यकीन हो गया था, तो वेजिटा एक्चुअली में लॉर्ड बीरूस को बैटल के लिए चैलेंज करता है। वेजिटा अपनी पूरी पावर से बीरूस पर अटैक करता है, बट बीरूस के अगेंस्ट आलमोस्ट सब कुछ बेकार था। यहाँ बीरूस वेजिटा को काफ़ी हल्के में ले रहा था, तो वेजिटा गलती से एक्चुअली में लॉर्ड बीरूस के फेस पर एक पंच मार पाता है। लेकिन इस मोमेंट के बाद से लॉर्ड बीरूस बैटल को लेकर कम्प्लीटली सीरियस हो गए थे और एक ही झटके में बीरूस ने वेजिटा को कम्प्लीटली नॉकआउट कर दिया था। बीरूस एंड वेजिटा का थर्ड बैटल अपन को मोरो आर्क के बाद देखने को मिलता है। ग्रानुला आर्क के स्टार्टिंग टाइम पर वेजिटा आराम से पावर के मामले में गोकू की अल्ट्रा स्टेट के ओमेन वर्जन से ज़्यादा पावरफुल था, तो वेजिटा को अपना स्टूडेंट बनाने से पहले लॉर्ड बीरूस एक्चुअली में वेजिटा की पावर का टेस्ट लेता है। यहाँ वेजिटा अपनी पूरी पावर को यूज करके एक्चुअली में लॉर्ड बीरूस पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट यहाँ तो वेजिटा बीरूस को टच भी नहीं कर पाता। इवन बीरूस बड़ी आसानी से अपनी अकाई टेक्निक को यूज करके एक्चुअली में सुपर सेन ब्लू के एवेल्युएशन वाले वर्जन को एक ही झटके में टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये बीरूस की पावर के कुछ डेमो थे जो अपन को ड्रैगन बॉल सुपर की ऑफिशियल मंगा के अंदर देखने को मिलते हैं और काफ़ी हद तक प्रूफ भी करते हैं कि बीरूस अभी भी पावर के मामले में एकदम नेक्स्ट लेवल पर है। बाकी आप बीरूस की फुल पावर के बारे में क्या सोचते हैं लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी यार अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यार वहाँ पर भी अपना थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा दो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।